अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर रविवार को लाइफ लाइन ब्लड बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसके संबंध में लाइफ लाइन ब्लड बैंक के संस्थापक विभव गुप्ता ने बताया कि सभी लोगों को रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि देश में कोई भी व्यक्ति की ब्लड की कमी से मौत न होने पाए। अगर हर घर से एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो देश में ब्लड की कमी नहीं होगी और सभी लोगों को इस रक्तदान अभियान में भाग लेना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए लाइफ लाइन ब्लड बैंक के संस्थापक विभव गुप्ता, मनीष कुमार, रक्तदान कर्ता सचिदानंद मौर्या ने कहा। मनीष कुमार, पूर्व महासचिव कांग्रेस। देखिए, जहाँ पर आज हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, सारा देश इतर बितर हो गया है, सब लोग एक दूसरे के सहयोग में सहयोग कर रहे हैं और आज रक्तदान के शुभ अवसर पर हम अपने सहयोगी सचिदानंद मौर्या और उनकी संस्था सी स्काई फाउंडेशन के माध्यम से रक्तदान का आयोजन किया है। यहाँ पर जो लाइफ लाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक कंपोनेंट सेंटर है, यहाँ पे हम सभी सहयोगियों ने आज ब्लड डोनेट किया। विवाह गुप्ता, जून विश्व रक्तदान दिवस पे हमने लाइफलाइन चैरिटेबल सौजन्य से स्काई फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम मेरी लोगों से, आम जनमानस से ये उम्मीद है, इस दिन आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ताकि और लोगों के जीवन दान में उनका भी सहयोग हो सके। चिदानंद मौर्य, यहाँ पे कैंप लगाया गया था सी एंड स्काई फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें काफ़ी लोगों ने ब्लड दिया है लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक में के सहयोग से ये काम किया गया है, जिसमें मनीष जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और ब्लड बैंक के कर्मचारियों का भी सहयोग रहा। उससे यही अपील है कि लोग अपने कुछ नहीं तो अपने लोगों के लिए रक्त अगर देना चालू कर दें तो ब्लड की कमी नहीं हो सकती है। अगर एक घर से एक आदमी ब्लड डोनेट करता है तो देश में ब्लड की कमी से कोई मर नहीं सकता है।